इस माउस की बैटरी 70 डेज से भी ज्यादा चलती है और ये 1000 लाइंस को एक सेकंड में स्क्रॉल कर सकता है और इसके सारे बटन्स कस्टमाइजेबल है। मस्ती महंगी हो रही है गाइस, मतलब अनबॉक्सिंग की मस्ती। कैसे? आज हमारे पास लॉजिटेक का MX Master 3 और ये कोई ऐसा वैसा माउस नहीं है, इसकी कॉस्ट है 7500 रुपए। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन इस माउस को वर्ल्ड का मोस्ट प्रोफेशनल माउस कहते हैं। क्यों? पता लग जाएगा अभी तुम्हें, तो बिल्कुल एंड तक देखना। शुरू करते हैं सोली वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त यश, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो बॉक्स एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर हमें MX Master 3 लिखा हुआ मिलता है और यहाँ लिखा है मैक स्पीड अल्ट्रा फास्ट स्क्रोलिंग। इसके बारे में आगे बताऊंगा, बहुत तगड़ी चीज है ये। पीछे कुछ जानकारी, बॉक्स खोलने के बाद भी MX की ब्रांडिंग। ओ भाई, इसके साथ एक और बॉक्स मिलता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ किताबी बातें। माउस इतना महंगा है तो मैनुअल कितने की होगी? ना भाई, ये नहीं फेंकनी, महंगी चीजों की इज्जत करनी चाहिए। और एक USB 2 टाइप सी केबल। केबल की बात करें तो ये रबर वाली केबल है लेकिन इसकी क्वालिटी काफी सही लगी मेरे को। एक हमें मिलता है लॉजिटेक का यूनिफाइंग रिसीवर, ये एक इनके कीबोर्ड का प्रमोशन भी आता है इसके साथ। और फिर आता है हमारे पास मेन माउस। तो माउस का डिजाइन देख के तुम समझ गए होगे कि ये भाई नॉर्मल माउस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, एबनॉर्मल है ये। अगर डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बिल्कुल एकदम ऐसा है कि ये प्रॉपर एकदम हमारे हाथ में फिट हो जाए। और इसकी शेप देख के भी तुम समझ सकते हो कि बिल्कुल एक ह्यूमन हैंड जैसा डिजाइन दिया हुआ है इसका। प्रॉपर फिटिंग बैठती है और मजा आ जाता है बिल्कुल। और पूरा हमें यहाँ पर इसके ऊपर रबराइज टेक्सचर मिलता है ताकि ग्रिप मेंटेन हो सके। तो अगर इनकेस तुम बहुत लंबे समय तक काम करते हो तो पसीना वसीना आ जाता है, तो उस वक्त पे भी तुम्हारी ग्रिप मेंटेन रहेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे हाथ आ जाएंगे और ये थंब रखने के लिए हमारे को स्पेस दिया हुआ है। पीछे का ये जो पूरा पार्ट है ये मेटालिक है और यहाँ पर हमें चार ग्रिप्स भी मिलती हैं ताकि हम इसे सरफेस पे रख सकें। और एक हमें मिलता है इसके साथ टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। तो दो बटन हमारे पास यहाँ आते हैं, लेफ्ट और राइट के लिए। एक हमारे पास स्क्रॉल व्हील है और ये बटन स्क्रॉल व्हील के लिए मिलता है, इसका यूज आगे बताऊंगा। अभी के लिए इसे एक रहस्यमय बटन समझ के चलो। यहाँ पर भी हमें एक स्क्रॉल व्हील मिलता है थंब के लिए और ये अपना लाइट इंडिकेटर। तो दो एक्स्ट्रा बटन हमें यहाँ पर भी मिलते हैं और यहाँ पर भी हमें एक बटन मिलता है इसके साथ जिसको तुम हाथ पे रखने के बाद थंब से दबा सकते हो। तो भाई बटन की इसके अंदर कोई कमी नहीं है। पीछे हमारे पास ये बटन ऑन ऑफ के लिए है, यहाँ पर इसका सेंसर है। और ये वाला जो बटन तुम्हें दिख रहा है ना, तुम सोच रहे होगे कि यार ये 1 2 3 क्या लिखा हुआ है। तो ऑन करने के बाद हर बटन के ऊपर ना लाइट ब्लिंक करती है। तो 1 2 3 यानी कि तुम अप टू 3 डिवाइसेस तक इसे कनेक्ट कर सकते हो एक ही टाइम पे ब्लूटूथ के जरिए। और तुम आराम से अपने डिवाइसेस में शिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। तो यार अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो यार तुम्हें इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैं यूजर एक्सपीरियंस की बात करूंगा और ट्राई करूंगा तुम्हें ये बताने की भाई क्यों ये इतना है। और कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो तुम्हें इसे खरीदने के बाद ही पता चलेंगे, तो इसलिए एंड तक जरूर देखना। और अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम बिल्ड है इसकी और इसी वजह से इसका जो वेट है वो है 140 ग्राम्स। ऑब्वियसली यार इतना पैसा खर्च कर रहे हो तुम और हाथ में पकड़ने के बाद तुम्हें इतना प्रीमियम लगेगा ना, ये तुम कहोगे कि भाई आह जन्नत मिल गई। और ये वही माउस है जो ज्यादातर बड़े यूट्यूबर्स तुमने देखा होगा ना भाई, बड़ा सा माउस रहता है उनके टेबल पे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भाई एक बड़ा यूट्यूबर है, क्या पता हम भी बन जाए, ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तुम अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो जरूर पॉसिबल है। और इसका जो स्लाइडिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा है कि तुमने जैसे टेबल पे तेल गिरा दिया और उसके ऊपर तुम कुछ स्लाइड कर रहे हो, मतलब टेबल पे इतना स्मूथ है तो सोचो माउस पैड पे कितना स्मूथ होगा। और तुम इसे टेबल पे, ग्लास पे, किसी भी सरफेस पे काम में ले सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि माउस पैड पे चलाना वो ज्यादा सही रहेगा। और स्लाइड करते वक्त पता भी नहीं चलता कि भाई इसका वेट कितना है, मतलब काफी हल्का फुल्का सा लगता है। अब पता नहीं लॉजिटेक ने ये चीज कैसे करी है लेकिन दूसरे माउस के कंपैरेटिवली इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। अब ब्लूटूथ के साथ साथ इतने सारे फीचर है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली तुम इसे किसी भी डिवाइस के साथ जाके कनेक्ट कर सकते हो, चाहे तुम्हारा मैकबुक हो या फिर विंडोज वाला लैपटॉप हो या फिर कोई डेस्कटॉप हो, इवन तुम कोई एंड्रॉइड टैबलेट से या फिर आईपैड के साथ और अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो इस वाले माउस को। इसकी बैटरी बहुत तगड़ी है, फुल चार्ज करने के बाद ये 70 डेज या उससे भी ज्यादा चल जाएगा, यानी कि तुम्हारे 2-3 महीने आराम से निकाल देगा। फिर भी अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो इसके अंदर रैपिड चार्ज का फीचर है, 1 मिनट चार्ज करने पे 3-4 घंटे आराम से चल जाएगा या फिर तुम इसे चार्ज करते करते भी चला सकते। अब बता दो तुम्हें कि इसका स्क्रोलिंग व्हील इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये जो स्क्रोलिंग व्हील है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जब तुम इसे घुमाओगे स्टार्टिंग में कट कट करके चलता है, लेकिन अगर तुम इसे स्पीड से करोगे तो ये फ्री व्हील बन जाएगा और फिर ये अपने आप स्मूथली घूमना शुरू हो जाता है। और अगर इस बटन की बात करें, इस वाले बटन से तुम इसके स्क्रोल व्हील को कन्फिगर कर सकते हो कि तुम्हें कट कट करके चलाना है या फिर एकदम फ्रीली घुमाना है। तो जब हम इसके बटन को दबा देंगे और इसे अगर घुमाएंगे तो बिल्कुल एकदम चक्री की तरह एकदम घूमता चला जाएगा। रुका नहीं अभी तक ये, अरे रुक जा,
अब रुका है। और इतनी ज्यादा फास्ट स्क्रोलिंग है कि तुम 1000 लाइंस को एक सेकंड में स्क्रोल कर सकते हो। ये जो स्क्रोल व्हील की जो फीलिंग है ना, मैं कितनी कोशिश कर लूं मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, क्योंकि सचमुच नेक्स्ट लेवल। अब पता चला क्यों महंगा है। लेकिन इस वाले स्क्रोल व्हील का एक नुकसान भी है, इसे यूज करने के बाद तुम्हें नॉर्मल माउस का स्क्रोल व्हील टट्टी लगने लग जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा चीप लगेगा। मैं तो कहूंगा कि इस माउस को चलाने के बाद तुम्हें सारे माउस चीप लगेंगे। मैं एक बार तुम्हें सुनाने की कोशिश करता हूँ कैसी आवाज आती है। मतलब एक बार घुमा दिया तो ये घूमता ही रहेगा, और ये अपना नॉर्मल माउस है, इसकी देखो घूम ही नहीं रहा। तुम्हें लग नहीं रहा होगा लेकिन ये काफी ज्यादा तगड़ा डिफरेंस है अगर स्क्रोलिंग की बात करें तो। और ये वाला जो बटन है ना इसका, इस वाले बटन से तुम जेस्चर सेट कर सकते हो, जैसे अपने विंडोज के अंदर मल्टी डेस्कटॉप के जेस्चर होते हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर में जाओगे तो तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो सारे बटन को। ये सॉफ्टवेयर मैकओएस और विंडोज दोनों के लिए अवेलेबल है, और इसका नाम है लॉजिटेक ऑप्शन। तो इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे भी डाउनलोड कर लेना। तो सॉफ्टवेयर ओपन करते ही अपने माउस के दोनों व्यू दिख जाएंगे तुम्हें, और यहाँ से तुम अपने बटन की सेटिंग चेंज कर सकते हो कि तुम्हें किस बटन से क्या काम करवाना। ये अपना जेस्चर बटन, तो इस बटन से तुम अपने जेस्चर्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीजें मेंशनड है। जैसे अगर अभी बात करें तो ये डेस्कटॉप चेंज करने के लिए सेट हुआ पड़ा है। यहाँ से तुम पॉइंट और स्क्रोलिंग की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगी, और भी तुम्हें बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। तो जब तुम यूज करोगे तो अपने आप समझ जाओगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड करना हो तो वहां से तुम कर सकते हो। इस माउस के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा सेक्सी फीचर है, लॉजिटेक फ्लो के नाम से एक फीचर आता है इसके सॉफ्टवेयर में। उसे अगर तुम ऑन कर दोगे तो तुम दो डेस्कटॉप पे, दो अलग अलग पीसी में, या फिर मैकओएस और विंडोज दोनों के अंदर तुम एक ही टाइम पे माउस को एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह काम में ले सकते हो। इवन अगर तुम चाहो तो फाइल्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लाइक पहले कंप्यूटर से कोई फाइल को कॉपी किया तो अपने माउस को दूसरे कंप्यूटर पे ले जाओ और उसे वहां पर पेस्ट कर दो। और भाई एक माउस के अंदर ऐसा फीचर मैंने पहली बार देखा है भाई। तो सवाल आता है कि भाई किन लोगों के लिए ये माउस बना हुआ है। तो अगर तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, फोटो एडिटर हो, या फिर तुम्हारे लगभग काम प्रोफेशनल होते हैं और तुम्हारा ज्यादातर टाइम लैपटॉप पे या पीसी पे जाता है, और तुम्हें एक ऐसे माउस की जरूरत है जो लगभग सारे काम कर दे तुम्हारे, और बाकी तुम वीडियो देख के खुद ही समझ गए होगे कि तुम्हारे लिए कौन सा फीचर कैसे काम आ सकता है, तो वो लोग डेफिनेटली इस माउस को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने जितना भी इसे यूज किया ना, प्यार हो जाएगा तुम्हें इससे। कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या से गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा माउस है तो भाई गेमिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए इससे। तो ये कहते हुए मुझे खेद है कि गेमिंग के लिए इस माउस को प्रेफर मत करना, क्योंकि इसका जो पोलिंग रेट है वो है 125 हर्ट्ज का, और ज्यादातर जो गेमर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं 500 या फिर 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट। अगर तुम हार्डकोर गेमर हो और तुम गेमिंग के लिए इतने पैसे खर्च करना चाहते हो तो इस वाले पे मत करो खर्च। लॉजिटेक ने गेमिंग के लिए दूसरा माउस बना रखा है जिसमें 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, तो वो वाला प्रेफर कर लेना। लेकिन हाँ, अगर तुम कैजुअल गेमिंग करते हो वो आराम से हो जाएगी तुम्हारी, उसमें कोई करनी है। और अभी कुछ 7-8 हजार का इसका प्राइस चल रहा है, और मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वाला माउस अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। मतलब अगर तुम इतने पैसे किसी एक माउस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली वो चीजें मिल रही हैं जो और किसी माउस में नहीं है। और पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि यार कौन लेगा इतना महंगा माउस, यार 7-8 हजार पे खर्च कर सकते हैं क्या, मतलब ही नहीं। लेकिन अब लग रहा है कि यार काश ये मेरा होता। तो मेरी तरफ से तो भाई फुल रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली इस माउस को तुम खरीद सकते हो। और अगर खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है इस माउस के बारे में, फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो कमेंट्स में बता देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन ग्रे कर देना, बेल आइकन पे भी ऑल कर देना। तो हम मिलते हैं तुमसे ऐसी किसी फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। भाई अंधे ऑप्शंस, अंधे अंधे बहुत। लो जी, क्या सोच समझ के ब्रांडिंग करी है ना, अगेन महंगी बातचीत।